दोस्तों, अगर आप एक गेमर या फिर गेमिंग लवर है तो ये वीडियो आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको गेमिंग से जुड़े एक बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन है, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है, आप देख रहे हैं वीडियो हट स्ट्रॉबेरी में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और देखते इस वीडियो को। दोस्तों कुछ भी बोलने से पहले मैं सबसे पहले आपको रेजर फोन का इमेज दिखा देना चाहता हूँ। तो आपको कॉर्नर में रेजर फोन का इमेज दिख ही रहा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों तो दोस्तों ये सिर्फ सिंगल सिम स्मार्टफोन है नैनो, और बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम तो एंड्रॉयड 7.1.1। अब डिजाइन की बात करें दोस्तों तो 158.5 mm की विड्थ है, और साथ ही साथ 77.7 mm की हाइट है, और साथ ही साथ 8 mm की थिकनेस देखने को आपको मिलेगी, और 197 ग्राम का इसका वजन है। तो दोस्तों एक ठीक ठाक डिजाइन वाला स्मार्टफोन है, कुछ खास नहीं है, लेकिन गेमर्स के लिए। मैं आगे बात करता हूँ डिस्प्ले की। बात करें दोस्तों तो 5.7 इंच का एक क्वाड एचडी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसका पीपीआई पिक्सल डेंसिटी पिक्सल पर इंच 515 देखने को मिलेगी दोस्तों। और साथ ही साथ आईपीएस एलसीडी पैनल नहीं है दोस्तों, HDIGZO एलसीडी पैनल है, कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ प्रोटेक्टेड है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 72.56% देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मेन खासियत जो इसका गेमिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835, जो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसके 4 कोर बेस्ड है 4.5 गीगाहर्ट्ज़ पर, 4 कोर बेस्ड है 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आर्किटेक्चर है 64 बिट का, एंड्रीनो का 504 GPU देखने को मिलेगा। दोस्तों यही हुआ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसी यही आता है गेमिंग में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड्रीनो का 504 GPU। अब बात करें कैमरे की दोस्तों, तो 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ रियर कैमरे की बात करें तो 12+12 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरेज देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको f1.7 की अपर्चर देखने को मिलेगी, जो आपको सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसों में देखने को मिलती है, जैसे S8, S8 प्लस और साथ ही साथ S7 एज में भी आपको देखने को मिली होगी f1.7 की अपर्चर, वो आपको इसमें देखने को मिलती है। यानी कैमरा लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करेगा दोस्तों। अपर्चर का मतलब जितना कम, यानी f1.7, f1.6, f1.5 जितना कम आते जाएगा दोस्तों, कैमरे की भाषा में से ज्यादा कहता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको, जितना कम आते रहेगा वो उतना बेटर परफॉर्म करेगा दोस्तों, यानी लो लाइटिंग में उतना बेटर परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये तो रही कैमरे की बात, और साथ ही साथ इसमें आपको 4000 mAh की एक लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835, जो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो एक पावर एफिशिएंट चिपसेट है दोस्तों। यहाँ पे आपको अच्छी खासी बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ क्विक चार्जिंग 4.0 को भी सपोर्ट कर लेता है, तो चार्जिंग में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको सभी देखने को मिलते हैं, NFC ऑडियो जैक भी, 3.5 mm का लाउड स्पीकर भी, साथ ही साथ इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अब सेंसर की बात करते हैं, इसमें आपको सभी प्रकार के सेंसर देखने को मिलते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, कम पास, यानी सभी प्रकार के सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। तो सेंसर में भी कोई कमी नहीं की है यहाँ पे रेजर फोन ने, यहाँ आपको जायरोस्कोप देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पे VR का लुक तो उठा सकते हैं दोस्तों। तो यही था रेजर फोन का फुल पैकेज, अब देखिए आपको क्या पसंद आता है। मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ गेमिंग के लिए, गेमर के लिए स्मार्टफोन है, और ये गेमर के लिए स्मार्टफोन है ये दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।